दोस्तों काफी समय हो गया और मेरे चैनल पे अभी तक एक भी वीडियो नहीं आई थी, तो फिलहाल मेरे चैनल पे एक नया वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एक YouTube चैनल है और उसे आप ग्रो करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, मेरे साइड में आप देख पा रहे स्क्रीन, वहां पे मैं अपना YT स्टूडियो ओपन करता हूं। यहां पे पूरा एनालिटिक्स में जाता हूं, वहां पे डिस्कवरी में यहां पे एक ऑप्शन है टॉप एक्सटर्नल सोर्स का। यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरा टॉप एक्सटर्नल सोर्स किसके द्वारा आ रहा है। यहां पे जो टॉप एक्सटर्नल सोर्स आ रहा है वो गूगल सर्च के द्वारा आ रहा है। यहां पे 13.5% जो टॉप एक्सटर्नल सोर्स है वो गूगल के द्वारा आ रहा है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि मेरा टॉप एक्सटर्नल सोर्स जो है 13% से ज्यादा मेरे गूगल सर्च से आ रहे। पहले मेरे 1% भी नहीं आता था, अब मैंने उस तरीके को इस्तेमाल किया तो मेरा ये 13% यानी कि उससे ज्यादा ही आने लग गया। तो यदि आप भी चाहते कि आपका भी जो सर्च है वो आए आपके गूगल सर्च से भी और आपके यूट्यूब सर्च से तो आता ही होगा, तो कौन सा वो तरीका है कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। शुरू से अंत तक आप इसे देखते रहे, इसमें मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताऊंगा कि आपका भी जो है सर्च आपको गूगल सर्च से भी आएगा, यूट्यूब सर्च से भी आएगा और सारी जानकारी आगे वीडियो में मैं दूंगा। तो वीडियो को देखते रहे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, वहां पे मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये आ चुका हूँ मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं आपको एक और प्रूफ दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने अपना YT स्टूडियो ओपन किया, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि मेरा जो ट्रैफिक सोर्स यहाँ पे है, जो टॉप ट्रैफिक सोर्स यहाँ पे यूट्यूब सर्च से देखिए मेरा 64% का ट्रैफिक सोर्स आ रहा है और यहाँ पे एक्सटर्नल का जो ट्रैफिक सोर्स है वो 21% से अधिक आ रहा है। तो दोस्तों आपको भी अगर यूट्यूब से आपका सर्च आता है और आप एक्सटर्नल से भी लाना चाहते हैं तो कैसे ला सकते हैं, और मैं आपको एक और प्रूफ दिखा देना चाहता हूँ। जब यहाँ पे मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे जाके अपने चैनल का नाम सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाई देता है। जैसे मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम सर्च किया, यहाँ पे देखिए ये बाकी सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अगर नीचे में स्लाइड करता हूँ तो नीचे में भी मेरे ही चैनल के बारे में सब कुछ बता रहा है। यहाँ पे जितने भी चीज़ बता रहा है सब मेरे ही चैनल के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे अगर मैं टेक्निकल विद मेहता जी का नाम छोड़ के अगर टेक्निकल मेहता जी भी सर्च करता हूँ तो ये सिर्फ मेरे ही चैनल के बारे में बता रहा है। अगर आपको भी गूगल सर्च में इस तरह से लाना है सर्च और अपने चैनल को ग्रो करना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों अब आते हैं वीडियो की तरफ। आपको इसको करने से पहले आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में जो भी नोट्स है उसको ओपन कर लेना पड़ेगा और यहाँ पे एक अच्छा सा कोई स्टेटमेंट आपको तैयार करना पड़ेगा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, और अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ पे कस्टम URL आपको कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपको अपने इंस्टाग्राम का कस्टम URL कॉपी कर लेना है, और अपने फेसबुक का अगर आपने पेज बनाया तो उसका कस्टम URL कॉपी कर लेना है। इस सभी को कॉपी करके आपको उस नोट्स में रख देना है, मैं सब कुछ करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने YouTube चैनल के बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी लिख दी है कि कैसा मेरा YouTube चैनल है, किस तरह का वो है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इसके बारे में लिख दिया और इसको मुझे यहाँ से कॉपी कर लेना है, आपको भी यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। तो मैं इसे सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो यहाँ से मैं ऊपर तक इसको कॉपी कर लिया हूँ। इसको कॉपी करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपने सारे सोशल मीडिया लिंक डाले, जैसे कि यहाँ पे हो गया यूट्यूब, यहाँ पे हो गया इंस्टाग्राम, यहाँ पे हो गया ट्विटर और यहाँ पे फेसबुक। तो आपको भी इस तरह से सारे लिंक तैयार कर लेना है और अपने चैनल के बारे में कुछ अच्छा लिख देना है। अब इसके बाद मैं अगला स्टेप आपको बताता हूँ। अब आपको करना क्या कि आपको जाना अपने क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा एड मी टू सर्च। जैसे आप यहाँ पे ऐड मी टू सर्च पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सारा रिजल्ट इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। इस पर आपको उसी ईमेल आईडी से साइन इन होना है जिससे आपका यूट्यूब चैनल लिंक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक दूसरा चैनल यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे आप जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे आपको नीचे में एक गेट स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपने गेट स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा आपको सारा जानकारी आराम से देखते रहना है बिना कोई देरी किए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर में आप यहाँ पे जैसे ही ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको अपना नंबर वेरीफाई करने के बोलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना नंबर सबसे पहले वेरीफाई कर लेना है ताकि गूगल आपको ट्रैक कर पाए या कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज आपको सेंड कर पाए।
जिससे आपने अपने YouTube चैनल का नंबर लिंक किया उसी से इसका नंबर भी आपको लिंक करना होगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपका जो भी कंट्री होगा आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल दिया है, अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, आपको भी अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा थोड़ी देर लोड लगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा, आपको उस OTP को यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा ये OTP आ चुका है, यहाँ पे मैं उस OTP को डाल देता हूँ जो कि ऊपर शो हो रहा है। तो इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ही आपको कुछ इस प्रकार से लोड लेगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे अपने YouTube चैनल का नाम डालना है, जो भी अपने YouTube चैनल का नाम होगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर अभी कुछ नहीं डाल रहा हूँ, जो है उसी को डाल रहा हूँ, आपको वही डालना है। यहाँ पे आपको उस लोकेशन के बारे में डाल देना जो कि जहाँ आप रहते हैं। अगर आप अपना घर का एड्रेस नहीं डालना चाहते हैं तो अपने सिटी का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया एग्जांपल के तौर पे इस तरह से। इसके बारे में आपको जो अभी आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, यहाँ पे जिससे आपने अभी कॉपी किया था उसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 350 वर्ड ही यहाँ पे हो पा रहा है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 350 वर्ड हो रहा है तो मैं इतना ही रख देता हूँ, उसके बाद आगे का नहीं करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन रखना है, यहाँ पे आप यूट्यूबर लिख सकते हैं, अगर जो भी आप काम करते हैं उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूट्यूबर लिख देता हूँ, तो लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने यूट्यूबर लिख दिया। यहाँ पे आप अब देख सकते हैं, यहाँ पे वर्क में आप अगर कुछ काम करते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे फिर से आप यूट्यूबर लिख सकते हैं अगर आपका मन होगा तो, अगर नहीं लिखना है तो मत लिखिए, किसी को कोई फोर्स नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी चीज़ें आप अगर भरना चाहते हैं तभी भरिएगा, ऐसे मत भरिएगा। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन भर सकते हैं, जो भी आपका एजुकेशन है अगर आप चाहें तो। यहाँ पे अपना होम टाउन वेबसाइट का, अगर कोई आपके पास वेबसाइट का लिंक है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आता है अपना सोशल प्रोफाइल, यहाँ पे अगर आप जैसे सोशल प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले फेसबुक आया है, तो यहाँ पे आपको फेसबुक पर क्लिक करना है। और फेसबुक पर क्लिक करने के बाद आपको जो मैंने लिंक बताया था वहाँ पे तैयार करके रखने को, यहाँ पे इस लिंक को ले लेना है। देखिए फेसबुक मेरा नीचे है तो यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा मैं फेसबुक को, और यहाँ पे उस पर को पेस्ट कर दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने फेसबुक के लिंक को यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड प्रोफाइल पे करके यहाँ पे आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इस तरह के जितने भी यहाँ पे है आप अपना डाल सकते हैं। उस और डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ से सेव कर देना है। सब कुछ हो जाने के बाद आपका जो यहाँ पे है प्रीव्यू पे आप क्लिक करके यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका जो डिटेल आपने भरा वो किस तरह से शो होगा। यहाँ पे आपका अपना प्रोफाइल पिक्चर दिख जाएगा, प्रोफाइल पिक्चर डालने का भी वहाँ पे ऑप्शन आता है। उसके बाद यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल का नाम और आपका एरिया दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जिसने आपने डिटेल भरा है वो दिख जाएगा, यहाँ पे आपका वर्क दिख जाएगा कि आप एक यूट्यूबर हैं। और उसके बाद अगर आप सभी चीज़ से राजी हैं इस तरह से आपका वहाँ पे शो होगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है सेव के बटन पे और यहाँ पे सेव कर देना है। अब करने के बाद आपका किस तरह से शो होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जब भी अपने चैनल का नाम सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे जैसे आप चैनल का नाम सर्च कीजिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से शो होगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ कि मेरा इस प्रकार से इसमें दिखाई देगा। यहाँ पे आपका सभी कुछ इसी प्रकार से शो होगा। अब कोई भी नया विजिटर या कोई भी नया बंदा आपके चैनल पे आएगा, अगर इस नाम को सर्च किया, चाहे गलती से भी आ गया, आपके कोई भी वीडियो को सर्च किया और आपका वीडियो बना हुआ रहा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।